हेलो दोस्तों, नीट साइंस कॉलेज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दिस चैनल इज टोटली मेड फॉर नीट एस्पायरेंट्स। हमारा वादा आपका स्कोर आउट ऑफ लाना। तो चलिए, पहले हम थ्योरी रिवाइज करते रहेंगे, बाद में हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। सो वी विल सी ऑल द एमसीक्यूज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टूड दिस थ्योरी। पहले हम इसे समझ लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द एमसीक्यूज। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सो आज का हमारा पांचवा वीडियो, जिसमें सीबीएसई का पहले लेसन फिजिकल वर्ल्ड का हम पॉइंट देखने वाले हैं, फिजिक्स सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। सो फिजिक्स का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। सो हियर, पहले तो उन्होंने बताया है स्टीम इंजन के बारे में। एवरीवन नोज अबाउट द स्टीम, इट इज नथिंग बट द वेपर्स कम्स आउट आफ्टर वाटर बॉइलिंग। जब भी हम वाटर को गर्म करते हैं, पानी को, तो उसमें से जो वेपर्स आते हैं उसे ही हम स्टीम बोलते हैं। जब वो स्टीम कभी किसी पिस्टन के अंदर हो तो उसे उस पर प्रेशर डालती है व्हाइल एक्सपांशन। जब उसका एक्सपांशन होता है, एट दैट टाइम इट वाइल इट एक्सपांड्स, सो पिस्टन गेट मूव्ड। ओके, पिस्टन के ऊपर प्रेशर आता है तो पिस्टन ऊपर जाता है। सो पिस्टन इज कनेक्टेड विद द व्हील ऑफ द इंजिन एंड हेंस इट लोकोमोट। ओके, सो इसी तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह चलती है। सो यही कंसेप्ट, सो इसे स्टीम इंजन का वर्किंग हमने डिटेल तरीके से पढ़ा, उसे और अच्छी तरह से समझने के लिए प्रयास किया, स्टडी किया, तब हमें पता चला कि वहां पे एक नई ब्रांच आ सकती है फिजिक्स की, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि इसके अच्छे से और डिटेल से स्टडी करने के लिए, टू इम्प्रूव एंड स्टडी इट इन डिटेल ऑफ द वर्किंग ऑफ द स्टीम इंजन, एट दैट टाइम वी गेट नोन दैट देयर मस्ट बी वी गेट हमें पता चला कि वहां से दैट थर्मोडायनेमिक्स न्यू ब्रांच ऑफ द फिजिक्स गेट अरोज। सो दिस इज द कंसेप्ट, एंड दिस स्टीम इंजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। आपको पता है कि दैट 18th सेंचुरी इंग्लैंड में जो भी इंडियन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें इसका ग्रेट रोल था। एंड दैट स्टीम इंजन हैज आल्सो ग्रेट इफेक्ट ऑन द ह्यूमन सिविलाइजेशन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड सोसाइटी। सो देयर इज सम इंटरेक्शंस विद फिजिक्स एंड द सोसाइटी। सो हियर ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रेट अफेक्टेड बाय दैट इज स्टीम इंजन व्हिच वर इन्वेंट इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 18th सेंचुरी। After that, we'll see the connection or relation between physics and technology. So, आप सभी को पता है physics का technology के साथ क्या relation है? जब कोई physics का कुछ point होता है, that point leads to gives you new technology. वो point आपको नई technology देता है। कभी कभी उल्टा भी होता है, that some technology leads to born a new physics. वहां पे आपको नए फिजिक्स का भी जन्म लेता है, मीन्स नई ब्रांच का भी, फिजिक्स के ब्रांच, नई ब्रांच का भी जन्म लेती है किसी सिंपल टेक्नोलॉजी से। सो दैट बोथ द वेज वी विल सी दिस रिलेशन और दिस कनेक्शन। सो यही संबंध हम दोनों तरीके से देखने वाले। सो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है वायरलेस टेक्नोलॉजी का। सो एवरीवन नोज दैट वायरलेस टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट कम्स फ्रॉम द फिजिक्स। इट इज द एग्जांपल दैट फिजिक्स गिव्स राइज टू अ न्यू टेक्नोलॉजी, इसका एक एग्जांपल है। जैसे वी नो दैट हियर फिजिक्स इन 19th सेंचुरी ना 1900 शतक में जब डिस्कवरी, जो भी डिस्कवरी हुई थी बेसिक लॉज अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सो ऑन द बेसिक लॉज ऑफ दैट फिजिक्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉज देयर वॉज दैट टेक्नोलॉजी, दैट फिजिक्स फैक्ट लीड्स टू अ न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाइल वेयर I am communicating with you, जहाँ पे मैं आपको communicate कर रहा है किसके बारे में, किससे, because of this technology से हम इस यहाँ पे communicate कर रहे हैं। आज पूरे world में एक दूसरे के साथ जो भी कोई connect कर रहा है जिस भी instrument से, so that communication appliances are because of this technology, they are the source of this technology, उस technology से वो बने हुए हैं, that devices are made up of this, okay? So here I am saying that बेसिक जो हियर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गेट्स लीड्स टू बॉर्न। सो यहाँ पे
किसी फिजिक्स ने किसी न्यू टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है, जैसे कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये हो गया पहला पॉइंट, फिजिक्स ने किसी न्यू टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अप्लायंसेस हम देखते हैं, गैजेट्स, सेल फोन, ओके, दैट इज टैबलेट्स, कंप्यूटर, टीवी, रेडियोज, ऑल दीज अप्लायंसेस आर मेड ऑन दिस वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड देन वी कम्युनिकेट इजिली, कम्युनिकेट नाउ वी। सो दिस वॉज द बेनिफिट्स ऑफ द फिजिक्स। नाउ देयर इज अनदर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। Everyone knows that in 1933, our great physicist, father of nuclear physics, that is Ernest Rutherford, उन्होंने जो कि रेडियोएक्टिव और एटम का जो भी उन्होंने डिस्कवरी किया था, सो दे आर सेइंग दैट इन 1933 में वो बता रहे हैं कि देर इज नो एनी पॉसिबिलिटी टैपिंग एनर्जी फ्रॉम द एटम, वहां पे संभावना है ही नहीं कि एटम से कुछ एनर्जी आप निकाल सको, ऐसा उन्होंने 1933 में कहा है, वो भी ग्रेट फिजिसिस्ट। बट आफ्टर फ्यू ईयर लेटर्स व्हाट हैपन, इससे क्या पता चलता है कि जब कुछ साल बाद वो संभावना पॉसिबल हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स नॉट ऑलवेज इजी टू फोर सी, आगे का देखने के लिए अप्लाइड फिजिक्स उतना ईजी नहीं होता है, वो हमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में पता चलता है कि दैट ही वाज सेइंग दैट पॉसिबल ऑफ टैपिंग एनर्जी फ्रॉम एटम गेट डिसमिस्ड बाय हिम। सो उसने 1933 में ही बता दिया था कि इट इज नॉट पॉसिबल, उसने निष्कासित कर दिया था कि हम नहीं निकल सकते एटम से एनर्जी। बट आफ्टर 5 years व्हाट हैपन इन 1938, आफ्टर 5 years द टू साइंटिस्ट और सम अदर साइंटिस्ट आल्सो देयर वर देयर, but two scientists, that is Hahn and Mettner, comes and they found that the great inventions they have did, they have discovered neutron induced uranium fission. Everyone knows that uranium, which is a radioactive element, that 235 uranium 235 agar us pe hum neutron bombard karte hai, then we will get some neutrons and some other elements, that is and that its high, its heavy nucleus get split into lighter nuclei, that is called to be a fission process. So इसमें heavy nucleus जो होता है that broken down into smaller nucleus, barium, krypton में वो lighter nuclei में convert होता है, and we called it as a chain reaction because of this discovery, we discovered that neutron inducing on uranium fission, then we got another neutrons. So that discovery became the fundamental principle for nuclear reactions and nuclear weapons. So here also the new physics we can see here. Okay, so यहाँ पे भी हमें कुछ नया देखने के लिए मिलता है. So it is also nuclear technology is also examples of using some physics and giving a new technology. So there is another example, silicon chip technology. So it is also the same. So यहाँ पे फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स सिलिकॉन चिप्स, एवरीवन नोज अबाउट द सिलिकॉन, सिलिकॉन के बारे में सबको पता है, दैट इज सेमीकंडक्टर, इट हैज अ आइडियल प्रॉपर्टी, ओके, दैट प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग एंड वी मेड अ चिप, एंड दे विद द हेल्प ऑफ दिस सिलिकॉन चिप्स वी मेड आईसीज, एंड दिस आईसीज वी कैन यूज इन मेनी डिवाइसेस, कंप्यूटर, स्मार्टफोन एटसेट्रा, एंड दिस डिवाइसेस, दिस आईसीज और दिस सिलिकॉन चिप्स लीड्स टू अ रिवोल्यूशन इन कंप्यूटर। जितना भी आप आज का प्रोग्रेस देख रहे हो कंप्यूटर के फील्ड में, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल सिलिकॉन चिप, विच इज द पार्ट ऑफ द फिजिक्स, विच वॉज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, नाउ इट बिकम्स द, उसने इस छोटे से चीज ने आपको पूरा दुनिया में बदलाव कर दिया और पूरे कंप्यूटर में क्रांति कर दी, दैट इज कंप्यूटर रिवोल्यूशन। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी that is development of alternative resources of energy. ये भी एक जरूरी है कि जितने भी फिजिसिस्ट हैं उन्होंने इसे भी महत्व दिया है. This is the most significant area to where we have to research. Okay, so we have to develop the alternative resources of energy. जितने भी sources है energy के alternative अब तक खोजे गए और आगे भी इसमें discovery करते जाएंगे. So इसीलिए किसी planet के fossil fuel के ऊपर focus किया गया कि प्लैनेट की फॉसिल फ्यूल जो भी अभी रैपिडली चल रहा है, ड्विंडलिंग, इट इज ड्विंडलिंग फास्ट, वेरी फास्ट, एंड दे आर सेइंग दैट हियर इट इज देयर इज अर्जेंट नीड टू डिस्कवर न्यू एंड अफोर्डेबल रिसोर्सेज, जितने भी नए नए हो और यानी कि सस्ते हो,
नए हो और सस्ते हो ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें चल रही है. ओके एंड सम कंसिडरेबल प्रोग्रेस वी हैव डन इट, लाइक वी हैव कन्वर्टेड दैट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी हैव प्रोड्यूस इट एंड ऑल्सो वी हैव यूज द जियोथर्मल एनर्जी, कन्वर्टेड इट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी. सो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर ली है, समवॉट प्रोग्रेस वी हैव डन बट इट इज ऑल्सो गोइंग ऑन. सो दिस इज वॉट द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद द टेक्नोलॉजी. नाउ वी विल सी सम लिस्ट, अभी हम यहाँ पे कुछ लिस्ट देखने वाले. वी विल सी लिस्ट ऑफ सम फिजिसिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड देयर कंट्रीब्यूशन. आर्किमिडीज बिलोंग टू ग्रीस. मेजर कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी एंड प्रिंसिपल ऑफ लीवर. गैलियो गैलीली बिलोंग्स टू इटली. कंट्रीब्यूशन लॉ ऑफ इनर्शिया. क्रिश्चियन हाइजीन. फ्रॉम होलैंड कंट्रीब्यूशन वेव थ्योरी ऑफ लाइट. नेक्स्ट आइज़ैक न्यूटन फ्रॉम यूके. मेजर कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. देन माइकल फराडे फ्रॉम यूके. माइकल फराडे कंट्रीब्यूशन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जेम्स क्लर्क मैक्सवेल फ्रॉम यूके. कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज फ्रॉम जर्मनी. कंट्रीब्यूशन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जेसी बोस फ्रॉम इंडिया. कंट्रीब्यूशन अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स. डब्ल्यू के रंजन फ्रॉम जर्मनी. कंट्रीब्यूशन डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज. जे जे थॉमसन फ्रॉम यूके. कंट्रीब्यूशन डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मैरी क्यूरी फ्रॉम पोलैंड.
डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। स्टडीज ऑन नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन फ्रॉम जर्मनी। कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थियरी ऑफ रिलेटिविटी। विक्टर फ्रांसिस हेस। विक्टर फ्रांसिस हेस फ्रॉम ऑस्ट्रिया। कंट्रीब्यूशन कॉस्मिक रेडिएशन। आर ए मिलिकन फ्रॉम यूएसए। कंट्रीब्यूशन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अर्नेस्ट रदरफोर्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड। कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोर फ्रॉम डेनमार्क। कंट्रीब्यूशन क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सीवी रमन फ्रॉम इंडिया। कंट्रीब्यूशन इनइलास्टिक स्कैटरिंग। लुइस डी ब्रॉगली फ्रॉम फ्रांस। कंट्रीब्यूशन वेव नेचर ऑफ मैटर। यमेन सहा थर्मल आयोनाइजेशन फ्रॉम इंडिया। एस एन बोस फादर ऑफ द गॉड पार्टिकल फ्रॉम इंडिया। कंट्रीब्यूशन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। वोल्फगैंग पॉली फ्रॉम ऑस्ट्रिया। कंट्रीब्यूशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एनरिको फर्मी फ्रॉम इटली। कंट्रीब्यूशन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। वॉर्नर हेजनबर्ग फ्रॉम जर्मनी। कंट्रीब्यूशन क्वांटम मैकेनिक्स। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉल डिरैक फ्रॉम यूके। कंट्रीब्यूशन रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ
इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक। एडविन हबल फ्रॉम यूएसए। कंट्रीब्यूशन एक्सपांडिंग यूनिवर्स। अर्नेस्ट ऑर्लांडो फ्रॉम यूएसए। कंट्रीब्यूशन डिस्कवरी ऑफ साइक्लोट्रॉन। जेम्स चैडविक फ्रॉम यूके। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हिडेकी युकावा फ्रॉम जापान। कंट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। मिजोन थ्योरी। होमी होमी जहांगीर बाबा फ्रॉम इंडिया। डिस्कवरी कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। नेक्स्ट लेव डेविडोविच लैंडो फ्रॉम रशिया। कंट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ कंडेंस्ड मैटर एंड अल्सो लिक्विड हेलियम एंड लिक्विड हेलियम। यस चंद्रशेखरा फ्रॉम इंडिया। कंट्रीब्यूशन चंद्रशेखरा लिमिट एंड स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। जॉन बार्डिन फ्रॉम यूएसए। कंट्रीब्यूशन ट्रांजिस्टर। थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सी एच टाउन्स फ्रॉम यूएसए। कंट्रीब्यूशन मेजर्स एंड लेजर्स। मेजर्स दैट माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब्दुस सलाम फ्रॉम पाकिस्तान। कंट्रीब्यूशन यूनिफिकेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट लिस्ट इज देयर, दैट लिस्ट इज अबाउट लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। सो फर्स्ट टेक्नोलॉजी एंड देन फिजिक्स बिहाइंड इट, और फिजिक्स और देन टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। सो स्टीम इंजन इज अ टेक्नोलॉजी बिहाइंड थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन न्यूक्लियर रिएक्टर।
फिजिक्स बिहाइंड इट, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, टेक्नोलॉजी रेडियो एंड टेलीविजन, फिजिक्स बिहाइंड इट, जनरेशन एंड प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन, जनरेशन प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स, फिजिक्स बिहाइंड इट डिजिटल लॉजिक, लेजर्स, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, प्रोडक्शन ऑफ, दिस इज ऑल अबाउट लेजर, दिस लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स, फिजिक्स बिहाइंड इट इज सुपर कंडक्टिविटी, रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन, फिजिक्स बिहाइंड इज इट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर बिहाइंड दिस बेस्ड ऑन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बेस्ड ऑन कन्वर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एरोप्लेन बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड मैकेनिक्स, बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड मैकेनिक्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स बेस्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, सोनार रिफ्लेक्शन ऑफ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग इज बेस्ड ऑन थिन फिल्म ऑप्टिकल फाइबर, थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग इज बेस्ड ऑन थिन फिल्म इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फोटोसेल बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर टोकामाक बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, GMRT जियंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप डिटेक्शन बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम्स,
ओके नाउ फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स वी नो दैट फिजिक्स इज नेचर एंड फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन वी हैव सीन इट बट इन दिस फिजिक्स द पर्सन विच पार्टिसिपेट वी कॉल्ड देम एज अ फिजिसिस्ट दैट फिजिसिस्ट ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड द रूल्स और लॉज विच ऑपरेटिंग इन द नेचर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन सो दीज थ्री थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स फिजिसिस्ट वर्क इन द फिजिक्स देन फिजिक्स इज नथिंग बट डील्स विद द बेसिक सर्टेनली बेसिक रूल्स और लॉज दैट गो ऑन द नेचुरल वर्ल्ड सो हियर वी मस्ट नो वॉट इज द नेचर ऑफ दिस बेसिक लॉज ये बेसिक फिजिक्स के लॉज है उसका नेचर क्या होगा सो वो जानने के लिए हमें देखना होगा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द नेचर ऑफ द फोर्सेस ओके सो दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो ओके तो दोस्तों ये जो पॉइंट है हम देखने वाले आगे वीडियो में नेक्स्ट के वीडियो में सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो आपको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना है अगर नए सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है ओके और फिर मिलेंगे हम किसी शानदार वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय